नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग जो है अपने सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट पर पहुँच चुके हैं। अगले पार्ट में दोस्तों हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, शायद कल वाले में हमने इसको दूसरा कुछ बता दिया था, 77 × 78 दोस्तों। तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमने कहा क्या, 8 × 56 की 6 हासिल लगे 5 हो गया दोस्तों, 7 × 8 56, 7 × 7 49। तो 56 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 में 40 जोड़ेंगे दोस्तों तो 105 हो जाएगा, ठीक। और 105 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 110 हो जाएगा, अर्थात जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1106 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह देखिए दोस्तों, वर्ग करने का एक और तरीका, जैसे अगर कहीं दोस्तों 44 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब आप इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आगे संख्या है, एक तो तरीका कल मैंने बताया कौन सा, 44 × 44 करके इसका इसका गुणा करिए, 4 × 4 16 की 6 हासिल लगे 1। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने बताया कि 4 × 4 16, 4 × 16 2 32 और 1 33, इस तरह एक मैंने बताया। और दोस्तों उसके बाद 33 की 3 हासिल लगे 3, 4 × 16 17 18 19, यानी कि एक तो मैंने ये तरीका बताया था दोस्तों आपको। एक तरीका और क्या है कि जैसे 44 का स्क्वायर लिखा है ना, तो 44 का स्क्वायर हम करेंगे कैसे दोस्तों, देखिए बताता हूँ मैं। 44 का स्क्वायर अगर करना है तो पहले जो इधर लिखा है 4 × 16, फिर इधर जो लिखा है 4 × 16, फिर 4 × 16 2 32, अर्थात दोस्तों इसको जोड़ दीजिए तो 6 2 3 और 6 3 9 और 1 1936। एक तरीका ये भी है। जैसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए दोस्तों आ गया 98 का स्क्वायर। अब देखिए 8 × 8 = 64 दोस्तों, पूरा पूरा संख्या लिखनी है, 9 × 9 = 81 दोस्तों, पूरा संख्या लिख लीजिए। और देखिए दोस्तों 9 × 8 = 72 और 72 × 2 करिए दोस्तों, 7 × 2 = 14 और 2 × 2 = 4 144। तो एक अंक छोड़ करके लिख लीजिए। अब यही जोड़ दीजिए दोस्तों, 4 × 6 = 4 10 की 0 हंस लगे 1 1 1 2 4 2 6 और 8 1 9, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 96 0 4। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आ गया तो आपका आ गया मान लीजिए 92 का स्क्वायर, और 92 का स्क्वायर करना है दोस्तों 2 × 4 हो गया। अगर आपको वर्ग करने पर एक अंक की संख्या मिले तो 0 लिख कर लिखिए, तो 2 का हो गया 4, तो इसीलिए हमने 0 4 लिखा। 9 का करेंगे दोस्तों 9 × 9 = 81 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए, 9 × 2 = 18 और 18 × 2 = 36। देखिए 4 × 6 = 3 1 4 और 8, यानी कि 84 64, यही आ जाएगा दोस्तों आंसर। कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने बताया था इसको हल करने का तरीका, कि अगर कहीं परसेंटेज और 00 साथ साथ मिल जाए तो परसेंटेज से 00 खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने बताया था, पहला और दूसरा। चलिए दोस्तों आज तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 34 × 36 लिखा है। पहली चीज तो 34 × 36 लिखा है, फिर 5400/15 लिखा है दोस्तों, ठीक। तो देखिए प्रश्न कठिन नहीं है, मैंने कहा दोस्तों प्रश्न कठिन नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रेकेट लगेगा और ये 5/12 बाहर है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, इसको हम लिख सकते हैं 34 × 36 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 5400/15 दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये जो 5/12 है इसको दोस्तों अगर हम गुणे में बदलेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये 12 हमारा इसमें भी शामिल है और ये 12 दोस्तों इसमें भी शामिल है। 12 जब इसमें शामिल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 3 12 3 36, 12 दोस्तों इसमें शामिल करेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा। अब देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 9 = 54 900 और 15 × 2 = 30 दोस्तों, तो 30 × 3 = 90, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 30 × 3 = 90 और 3 × 4 = 12, यानी कि 102 आ गया। अगर इसको दूसरी तरह सॉल्व करना चाहे दोस्तों तब भी कर सकते हैं, 3 × 4 = 12 हंस लगे नहीं 3 × 3 = 9 = 10, तब भी 102 आएगा। फिर माइनस दोस्तों यहाँ पर पूरा हल करने पर हमको मिल गया 3 और बराबर दोस्तों यहाँ पे देखिए -19 है, -19 जब इधर लेके जाएंगे दोस्तों +19 हो जाएगा। तो अब 102 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास बचेगा क्या, 102 लिखा है ना दोस्तों, देखिए 102 है
और यहाँ पर माइनस तीन है दोस्तों, तो देखिए तीन नहीं यहाँ पे 30 होगा दोस्तों, एक मिनट रुक जाएगा, 5400 है, दो जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे बचेगा, तब जाके 30 90 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 30 होगा, तो देखिए 102 में से 30 घटाएंगे दोस्तों 72 आ जाएगा हमारा, और ये -19 जो इधर वाला -19 है ये जब इधर लेके आएंगे तो +19 हो जाएगा, और 72 में दोस्तों 19 जोड़ देंगे तो 72 10 82 और 82 9 9 2 11 यानी कि दोस्तों हमारा आ जाएगा 91 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा, ठीक, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों बताइएगा। एक बार अगर शॉर्ट में देखें दोस्तों तो ये 12 भाग में है और ये जब अंदर जाएगा तो 12 3 36 यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 है और ये 12, 15 और 12 दोनों नीचे चला जाएगा, तो देखिए 6 2 12 हो जाएगा हमारा, ठीक, 6 2 12 2 आ जाएगा, और उसके बाद 6 9 54 900 हो जाएगा दोस्तों, फिर देखिए 15 51 15 और 15 56 90, ठीक, तो 60 हो जाएगा हमारा, फिर देखिए 15 कट गया और 6 2 12 2 और 2 से काट देंगे तो 30 आ जाएगा दोस्तों, तो वही चीज़ आ जाएगा हमारा 34, यानी कि 102, 102 में से 30 घटा देंगे दोस्तों 72 और 72 में 90 जोड़ देंगे 19 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 91, ठीक, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा। तो दोस्तों देखिए 17 × 51 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 × 51 को दोस्तों लिख सकते हैं 17 × 3 × 17, तो 17 × 51 हो गया, -26 का स्क्वायर दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 676, तो 17 17 में दोस्तों 289 और इंटू 3 हो जाएगा, तो देखिए 3 9 27 के साथ 80 लगेंगे 2, 3 8 24 और 2 26, उसके बाद 3 2 6 2 867, जी हाँ दोस्तों 867 में से दोस्तों 676 घटाना है, तो पहले दोस्तों देखिए 67 76 में से 67 घटा दीजिए दोस्तों, तो 67 3 यानी कि 9 आपके पास यहाँ पे बचा किस में दोस्तों माइनस में, 800 में से 600 घटा दीजिए दोस्तों 200 बचा, अर्थात 200 में से दोस्तों 9 और घटा दीजिए तो 200 में से जब आप 9 घटाएंगे दोस्तों तो 191 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इतने की जहाँ पे आ गया हमारा 191 प्लस। अब यहाँ देखिए दोस्तों 32% ऑफ 4 लिखा है, जब भी इस तरह का आपको मिले 32% ऑफ 4 या कुछ भी मिले, अगर ऑफ के सेंस में मिले दोस्तों तो चाहे ये परसेंट आप यहाँ लगाइए, चाहे यही परसेंट उठा करके आप दोस्तों यहाँ लगा दीजिए, अर्थात दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 32 × 4%, और 4% का मतलब हमको पता है दोस्तों कि 1/25 होता है, 4% का मतलब दोस्तों 1/25 होता है, तो अर्थात 32% ऑफ 4 इसका मतलब ये हो गया कि 4% ऑफ 32 अर्थात 1/25 हो जाएगा, अर्थात 32/25 हो जाएगा, तो इसकी जहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 32/25। फिर देखिए दोस्तों इंटू लिखा है, इंटू करिए 12 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, तो दोस्तों 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा, और देखिए 12 बराबर में 144 हो जाएगा, और 144 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा, 25 6 दोस्तों 150, 6 2 12 की 2 8 1, 6 3 18 1 19, अब देखिए दोस्तों 19 2 38 तो 38 और 2 1 3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 383 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, 15% ऑफ 13 का वर्ग -37 का वर्ग। एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको रुक जाएगा दोस्तों, 13 का क्यूब लिखा है और 37 का वर्ग लिखा है, तो सबसे पहले देखिए 15% लिखा है, 15% का मतलब हुआ दोस्तों 3/20। परसेंट को कैसे चेंज करना है अगर समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा, मैं चेंज करना बता दूंगा। अब ऑफ लिखा है यानी कि इंटू 13 का क्यूब दोस्तों, देखिए 13 3 169, ठीक, देखिए 13 का क्यूब, वैसे तो क्यूब आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, कम से कम 20 तक का क्यूब तो जरूर याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 13 3 169 होता है दोस्तों, 169 में 13 का गुणा कर दीजिए, ठीक, तो चाहे जिस तरह बताया हूँ उस तरह कर लीजिए कि 3 × 9 करिए, 3 9 27 की 7 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 2 दोस्तों, फिर देखिए 16 3 48 और 9 51 9 48 9 9 8 17 57 और 57 में दोस्तों 2 जोड़ देंगे
तो 59 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 9 बचेगा, 59 हुआ ना दोस्तों। तो 9 यहाँ लिखे, 5 यहाँ शेष बचा हमारा। फिर देखिए 16 एक नम 16 5 2197 आ जाएगा यहाँ पे 2197। फिर देखिए 37 का स्क्वायर लिखा है दोस्तों, तो 37 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, इसको मिटा दें, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। 37 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, 37 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 37 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 2 = 42, तो यहाँ पे हो गया 9 × 4 = 2 = 6, 9 × 4 = 1369। भागे 23 लिखा है दोस्तों, भागे 23 का मतलब ये हुआ कि बटे में 23। अब इसको पहले घटा दीजिए, तो इसको जब आप घटाएंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहली चीज़ तो 2100 में से आप 1300 घटा दीजिए, तो 13 × 7 = 20 यानी कि 800 आपके पास आ गया, ठीक। 2100 में से 1300 घटाएंगे तो 1300 800 आपके पास पूरा पूरा आ जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पे लिखता हूँ 800 आपके पास पूरा पूरा आ गया। फिर माइनस देखिए दोस्तों, 97 यहाँ है, यहाँ पे 69 है, तो देखिए अगर उस तरह करें तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 100 आ गया, इसमें 3 जोड़िए तो 9 × 3 = 12 यानी कि 72 आ गया। 100 में से 72 आप घटा दीजिए दोस्तों तो 72 × 8 = 80 यानी कि 28 इसमें से और घटा दीजिए, तो 800 में से 28 आप और घटा दीजिए दोस्तों, तो 28 जब आप घटाएंगे तो यानी कि ये आपके पास 72 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, अर्थात 772/23 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, 772/23 हो गया। अब 772/23 तो इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 2197 में से 1369 घटाएंगे दोस्तों तो 13 × 8 = 3 = 11, 800 पूरक पूरा बच गया, ठीक है दोस्तों, 800 पूरक पूरा बच गया, 8 × 3 = 11। उसके बाद 97 में से 69 घटाना है। अच्छा दोस्तों एक मिनट रुक जाएगा, तो ये देखिए ये सीधा सीधा 28 आ जाएगा यानी कि 828 आ जाएगा, ये माइनस नहीं दोस्तों प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये वाला बड़ा संख्या है, ये वाला छोटा है, तो ये दोस्तों 828 होगा, ये 828 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 3/20 × 828 और बटे 23 दोस्तों, ठीक। अब देखिए इसी को हमको हल कर लेना है, तो 23 इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 23 × 86, ठीक, कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 × 20 = 2500, 5 × 3 = 15, चलिए अच्छा 3 × 6 = 18, ठीक है, तो 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 3 बार जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 69 हो गया, 170, तो 138 बचा। अब देखिए 2 × 12 6 बार ले जाइए, 6 × 3 = 18 की 8 हासिल लगें 1 × 6 = 12 = 13 यानी कि 36 आ गया दोस्तों, अर्थात 3 × 36/20। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 9 × 3 = 27/5, तो 5 × 25 = 26, 27 = 2 यानी कि 5.4 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई समस्या हो दोस्तों तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, बता रहा हूँ दोस्तों पूरा क्वेश्चन आप जहां 2-3 बार लगाए ये पूरा सब हवा हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 24 का स्क्वायर लिखा है, तो वैसे तो 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 25 × 25 = 625 होता है ना, इसका मतलब 625 से छोटा होगा आपका वर्ग, और 4 लिखा है, 4 × 4 = 16 यानी कि 576 हो गया, 24 का वर्ग 576, ठीक। उसके बाद देखिए 24 का 576, 26 का 676 याद रखिएगा, और 28 का दोस्तों देखिए 28 का जो वर्ग होता है 8 × 8 = 64 यानी कि 4 आ जाएंगे, तो 4 आना चाहिए, तो दोस्तों 28 का जो वर्ग है वो क्या होगा, अगर आपको मतलब दिक्कत हो तो मैं इसको कर दूंगा, 28 का वर्ग 784 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर नहीं याद है तो देखिए इसको 8 × 8 = 64 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 लिख सकते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 32 लिख सकते हैं, जोड़ दीजिए 4 × 6 = 2 = 8, 4 × 3 = 784। फिर देखिए दोस्तों भागे
सत्रह सत्रह में देखिए दोस्तों 289 माइनस 153, ठीक 289 माइनस 153। तो देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 7 5 1200 और 70 80 यानी कि 6 4, देखिए रुक जाइए दोस्तों, तो 6 4 10 यानी कि 0, 8 7 8 8 16 6 8 लेकिन 1 5 1 6 2 12 1 1360। 1360 में से दोस्तों 289 माइनस 153, 153 घटा दीजिए तो 9 में से 3 गए 6, फिर यहाँ पे 5 3 8 136। 1360 में से 136 घटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है भाग है, ठीक यहाँ पे दोस्तों भाग है, तो इतना इकन्नम इतना इतना दाम में यहाँ पे 10 आ गया, अर्थात इतने की जहाँ पे दोस्तों हमको मिल गया 10, और ये 5 की घात 2 है यानी कि 25, और 25 × 10 करेंगे दोस्तों 25 दाम में कितना आ जाएगा 250। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों आप अगर चाहें तो इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द स्पीड स्टडी से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल का नाम है द स्पीड स्टडी, इसी चैनल पर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व करिए, और धीरे धीरे मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।